इस वक्त की बड़ी खबर है बलिया से, जहां बलिया में लोकसभा चुनाव का मतदान हुआ शुरू। बलिया में लोगों की लगी लंबी कतार। लोगों ने बताया कि विकास के मुद्दे पर होगा मतदान। मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात। भीषण गर्मी में मतदाताओं के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। मतदान केंद्र पर पानी की व्यवस्था नहीं और टेंट की व्यवस्था भी नहीं है। कैसा लगा आप मतदान किए? बहुत खुशी है, हमारा अधिकार है। क्या मुद्दा है, किन मुद्दे पर आपने मतदान किया? विकास मुद्दा है या फिर राष्ट्र मुद्दा है, धर्म मुद्दा है, क्या मुद्दा है? विकास का होता है, विकास क्या जो यहाँ पे व्यवस्था है बहुत अच्छी है। मेरा नाम जितेंद्र है। हम वोट देने आए थे यहाँ पे, मतदान कर चुके। देखिए कितनी खुशी है, बहुत अच्छा लगा। बड़ी शांति से हो रहा है, सुचारू रूप से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई, भीड़ नहीं है, लोग जो उत्साहित है, एक अच्छा है। कहाँ तो भीषण जब होगा, आज मौसम भी ठीक है वैसे, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, टेंट की व्यवस्था नहीं है। बाद में थोड़ी देर के लिए लोग इतना तो सह ही सकते हैं, इतना जो है सरकार जब इतना कर रही तो लोगों को भी इतना जो है करना ही पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। करनी चाहिए, हो सकता है कि अभी कर रहे हैं हम लोग समय तो, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो अभी नहीं लगा है, अभी हो जाएगा। जी क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक जी अभी कहाँ आए हैं मतदान करने के लिए? आप टाउन इंटर कॉलेज पर आए हैं। मतदान आप कर लिए हैं? मतदान हो गया। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? आप देखिए व्यवस्था तो सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतदान किए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है भाई, हमारे देश का डेवलपमेंट के लिए। पानी टेंट तो अभी दिख नहीं रहा, अपन आगे व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इतनी भीषण गर्मी और जो जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि तो हो रहा होगा, आ रहा होगा, हम तो बहुत जल्दी आ गए हैं ना। लेकिन देखा जा रहा है कि समय हो गया, अभी तो देखिए व्यवस्था शासन प्रशासन को करना, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं। लाने वाला देर कर रहा होगा, हो सकता आ तो रहा ही होगा। नारा है पहले मतदान की जलपान की व्यवस्था है, तो यहाँ जलपान थोड़ा नहीं मिलता है, अपने घर जलपान करना है कि रहेंगे कैसे, क्या अपना व्यवस्था करेंगे, हमेशा होता है जो।